सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने स्टेशन स्थित सिद्धेश्वर शक्तिपीठ से एक रैली निकाली जो रेलवे स्टेशन पार करके शेरपुरा स्थित सीएम हाउस तक पहुंची, जहां सीएसपी विकास पांडे को मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा गया। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अतुल तिवारी का कहना है कि 3 दिन पहले कलेक्टरेट में ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित ज्ञापन लेने खुद नहीं आए। उनकी हट धर्मिता के चलते ज्ञापन कलेक्टरेट में चस्पा करके आए थे। आज रैली निकालकर सीएम हाउस में ज्ञापन दिया गया। सोमवार को विदिशा से पदयात्रा करते हुए भोपाल तक जाएंगे, जहां सीएम हाउस में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते कलेक्टर ज्ञापन लेने आए हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उस दिन शहर के कुछ खास जनप्रतिनिधि कलेक्टर के चेंबर में बैठे हुए थे। हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों का कहना है कि दुर्गा उत्सव के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है धर्म विरोधी है, उसे हटाया जाना चाहिए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज ज्ञापन की प्रतिलिपि देने आए थे। ज्ञापन हम 3 दिन पहले 2 दिन पहले कलेक्टर महोदय के पास कलेक्ट्रेट गए थे। कलेक्टर महोदय के अड़ियल रवैये के चलते हुए वो ज्ञापन कलेक्टर महोदय ने नहीं लिया। हमने 45 मिनट करीब इंतज़ार किया, पोर्च में बैठे भजन भी किए, लेकिन कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेने नहीं आए। तो ये ज्ञापन जो हम जिस संबंध में दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए दे रहे थे, और मुख्यमंत्री महोदय का जो ज्ञापन है वो कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं आके उसको प्राप्त करें और मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित करें। लेकिन उनकी हठधर्मिता के चलते हुए आज हमें उस ज्ञापन की प्रति सीएम हाउस पर आकर देना पड़ रही है, और कल हम इसी संबंध में इसकी मूल प्रति देने के लिए भोपाल पदयात्रा करते हुए जाएंगे। यहाँ पर किसके लिए आपने? यहाँ पर हमने सीएसपी महोदय विकास पांडे जी और सिटी कोतवाली टीआई बीरेन्द्र झा साहब ने आकर सीएम हाउस पर ये ज्ञापन हमसे प्राप्त किया। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इतनी गंदी गाइडलाइन होने के बाद प्रशासन से, मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग कर रहे थे। इसी संबंध में आज भोपाल में भी एक विशाल प्रदर्शन है, हिंदू उत्सव समिति और हिंदू संगठन भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जिला के मुखिया इस बात को समझने ही तैयार नहीं है कि पूरी हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला निर्णय उठ के नहीं आएंगे। ये क्या अड़ियल रवैया है? क्या मुख्यमंत्री का ज्ञापन कलेक्टर को नहीं लेना चाहिए? मुख्यमंत्री महोदय का ज्ञापन उन्हें लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, जो गाइडलाइन में इनने जो लगाई हैं प्रतिबंध जो लगाए हैं वो पूर्णता त्रुटिपूर्ण है। कल क्या कार्य होगा आपको? आज हम पहले तो यहाँ से निपट के भोपाल के प्रदर्शन में शामिल होंगे, और कल सुबह 9 बजे सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ स्टेशन से विदिशा के सभी गणमान्य नागरिक, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति परिवार के सभी सदस्य मिलकर विदिशा से भोपाल ज्ञापन की मूल प्रति देने के लिए मुख्यमंत्री निवास के लिए पदयात्रा करते हुए प्रस्थान करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को क्या कारण था उस दिन जनप्रतिनिधि भी कुछ उपस्थित थे कलेक्टर के रूप में? हाँ, ऑफिस में कुछ लोग उपस्थित थे, और कलेक्टर महोदय ने जानबूझकर ये शायद हो सकता है राजनीतिक कारण हो उनसे मना किया गया हो ज्ञापन लेने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो राजनीतिक प्रेशर में ही काम करते हैं। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा था? भारत जैसे देश में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और धर्म पर ही सारे व्यवस्थाएं, पूरे कानून, पूरी गाइडलाइन सौंपी जा रही है कि धर्म के लोग, धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक आयोजन, इन पर सारे रोक लगाई जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, पूरे राजनीतिक दल 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों की सभाएं कर रहे हैं, वहाँ किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन हमारे आने वाले दुर्गा उत्सव के लिए एक बहुत ही खराब गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें प्रतिमा की ऊंचाई, पंडाल की साइज और विभिन्न चीज़ों पर हम पर रोक लगाई गई है। उस संबंध में आज हम सीएम हाउस विदिशा में यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हम कलेक्टर विदिशा को भी ज्ञापन देने ये गए थे, लेकिन हमने पूरे यहाँ पर हिंदू समाज के सारे संगठन सनातन हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले वहाँ गए थे, और इसके साथ ही जितने भी लोग व्यापारीगण हैं जो कि दुर्गा उत्सव से लेकर उनकी रोजी रोटी चलती है, वो सारे संगठन भी हमारे साथ थे, वो नहीं पहुँचे, और वहाँ पर कलेक्टर हमसे ज्ञापन लेने नहीं आए, तो उसके विरोध में आज हम सीएम हाउस को देने आए थे ज्ञापन, और कल हमारी पदयात्रा भोपाल के लिए रवाना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।